नमस्कार। आज हम करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर असेसमेंट ऑफ स्किल्स। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो सब टॉपिक हैं, एक है टूल्स फॉर असेसमेंट ऑफ स्किल्स और सेकंड है टेक्निक्स फॉर असेसमेंट ऑफ स्किल्स। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे टेक्निक्स फॉर असेसमेंट ऑफ स्किल्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपरों में भी, तो चलिए शुरू करते हैं। असेसमेंट टेक्निक्स वो मेथड हैं जो स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज़ को इवैल्यूएट और मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये टेक्निक्स एजुकेटर्स, एम्प्लॉयर्स और इंडिविजुअल्स को अपनी स्ट्रेंथ और एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट समझने में मदद करते हैं। हमारे पास टोटल 4 टाइप्स की टेक्निक्स हैं असेसमेंट ऑफ स्किल्स के लिए। फर्स्ट है टेस्टिंग प्रोसीजर्स, सेकेंड है सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक, थर्ड है ऑब्जर्वेशनल टेक्निक एंड फोर्थ है प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो सबसे पहला है टेस्टिंग प्रोसीजर्स। टेस्टिंग प्रोसीजर्स इन्वॉल्व वेरियस मेथड्स टू इवेलुएट स्किल्स थ्रू रिटन, वर्बल एंड प्रैक्टिकल मीन्स। टेस्टिंग प्रोसीजर्स के 5 मेथड हैं। पहला है रिटन मीन्स, मतलब लिखित माध्यम। सेकंड है वर्बली, मौखिक रूप से। थर्ड है एक्सपेरिमेंटली, प्रयोगात्मक रूप से। फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के रूप से। फिफ्थ है सेल्फ डेवलपिंग मेथड। तो सबसे पहले रिटन मीन्स, इसमें आप स्टूडेंट्स को लिखने के लिए क्वेश्चंस देते हैं ताकि आप उनका नॉलेज और स्किल इवेलुएट कर सकें, जैसे मैथमेटिक टेस्ट जिसमें मैथ के क्वेश्चन दिए हो सॉल्व करने के लिए। सेकंड है वर्बली, इसमें आप स्टूडेंट से मुँह से सवाल पूछते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं, जैसे ओरल एग्जामिनेशन, ओरल टेस्ट एट्सेट्रा। थर्ड है एक्सपेरिमेंटली, इसमें आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करने देते हैं ताकि आप उनका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक कर सकें, जैसे एक साइंस का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना। फोर्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आप स्टूडेंट्स को कुछ टास्क देते हो और उनका मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को इवेलुएट करते हो, जैसे एक स्मॉल प्रोजेक्ट और इवेंट को मैनेज करना। फिफ्थ है सेल्फ डेवलपिंग मेथड, इसमें आप स्टूडेंट्स को सेल्फ असेसमेंट टूल्स देते हैं ताकि वो अपने स्किल्स को खुद इवेलुएट कर सकें। कौशल विकास को ट्रैक करने के लिए प्रोग्रेस जर्नल को रखना। सेकंड है सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक, सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर ओन स्किल एंड एक्सपीरियंसेस। इस टेक्निक के 6 पॉइंट्स हैं। पहला है क्वेश्चनरी, सेकंड ऑटोबायोग्राफी, थर्ड है पर्सनल डायरी, फोर्थ है डिस्कशन, फिफ्थ है डायरेक्ट क्वेश्चन एंड सिक्स्थ इंटरव्यू। तो सबसे पहले क्वेश्चनरी, मतलब प्रश्नावली। इसमें आप स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देते हैं जिनके जवाब वो लिख कर देते हैं ताकि आप उनके स्किल्स के बारे में जान सकें, जैसे एग्जांपल है ए सर्वे अबाउट टीचिंग मेथड्स यूज्ड बाय टीचर। सेकंड है ऑटोबायोग्राफी, इसमें आप स्टूडेंट से उनकी लाइफ के बारे में लिखने के लिए कहते हैं ताकि आप उनके स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को समझ सकें, जैसे राइटिंग एन एग्जाम्पल टू रिफ्लेक्ट ऑन वंस टीचिंग जर्नी, जैसे अपनी शिक्षण यात्रा पर विचार करने के लिए आत्मकथा लिखना। थर्ड है इंटरव्यू, इसमें आप स्टूडेंट से फेस टू फेस बात करते हैं और उनका स्किल्स और एक्सपीरियंसेस से इवैल्यूएट करते हैं, जैसे एन इंटरव्यू फॉर ए टीचिंग पोजीशन। फोर्थ है पर्सनल डायरी, इसमें आप स्टूडेंट्स को अपनी डेली एक्टिविटीज़ और थॉट्स लिखने के लिए कहते हैं, जैसे मेंटेनिंग अ डायरी टू डॉक्यूमेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड आउटकम्स। फिफ्थ है डिस्कशन, इसमें आप स्टूडेंट्स को ग्रुप डिस्कशन करने के लिए कहते हैं ताकि वो अपने स्किल और नॉलेज शेयर कर सकें, जैसे ग्रुप डिस्कशन अमंग टीचर अबाउट बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिस। सिक्स्थ है डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें आप स्टूडेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं उनके स्किल्स के बारे में जानने के लिए, जैसे आस्किंग अ टीचर हाउ दे हैंडल क्लासरूम मैनेजमेंट। थर्ड है ऑब्जर्वेशनल टेक्निक, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर्स टू असेस द स्किल्स। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहला है चेकलिस्ट, सेकंड है रेटिंग स्केल, थर्ड है सोशियोमेट्रिक टेक्निक, फोर्थ है गैस हु टेक्निक। तो पहला है चेकलिस्ट, इसमें आप स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हैं और चेकलिस्ट में मार्क करते हैं, जैसे यूजिंग ए चेकलिस्ट टू ऑब्जर्व स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन क्लास। सेकंड है रेटिंग स्केल, एक अ स्केल टू रेट ऑब्जर्व्ड बिहेवियर और स्किल्स। इसमें आप स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स को रेट करते हैं एक स्केल पर, जैसे रेटिंग अ स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन स्किल ऑन स्केल फ्रॉम 1 to 5। थर्ड है सोशियोमेट्रिक टेक्निक, इसमें आप स्टूडेंट के सोशल रिलेशनशिप्स और इंटरेक्शन को मेजर करते हैं, जैसे यूजिंग सोशियोमेट्रिक टेक्निक टू अंडरस्टैंड पीयर रिलेशनशिप्स इन क्लासरूम। इसका मतलब है कि बच्चों का आपसी संबंध समझने के लिए सोशियोमेट्रिक टेक्निक का यूज़ करना। फोर्थ है गैस हु टेक्निक, इसमें आप स्टूडेंट से गैस करने के लिए कहते हैं कि कौन स्पेसिफिक रोल को फिट करता है, जैसे स्टूडेंट को गैस करने के लिए पूछना कि कौन सा क्लासमेट आपका बहुत हेल्पफुल है। फोर्थ है प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रोजेक्टिव टेक्निक इन्वॉल्व यूजिंग स्टिमुलाई टू अनकवर हिडन थॉट एंड फीलिंग्स।
प्रोजेक्टिव टेक्निक चार तरह की होती है, पहली है रिसर्च, सेकंड है टैट, थर्ड है सेंटेंस कंप्लीशन और फोर्थ है डोल प्ले। तो पहले है रिसर्च, इसमें आप रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स के स्किल्स और बिहेवियर्स के बारे में जानने के लिए, जैसे कंडक्टिंग अ स्टडी ऑन स्टूडेंट लर्निंग हैबिट्स। सेकंड है TAT, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, इसमें आप स्टूडेंट्स को कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं और कहानी बनाने के लिए कहते हैं ताकि आप उनके थॉट्स और फीलिंग्स को समझ सकें, जैसे कक्षा में चित्र को दिखाना और छात्रों से पूछना कि क्या हो रहा है। थर्ड सेंटेंस कंप्लीशन, ये टेक्निक उनके थॉट्स और फीलिंग्स को अनकवर करने में मदद करती है, जैसे स्टूडेंट से ऐसे सेंटेंस कंप्लीट कराना जैसे आई फील हैप्पी व्हेन, ये उनके इमोशन और थॉट्स को समझने में मदद करेगा। जब वो लास्ट है डोल प्ले, प्ले टेक्निक में बच्चे डोल्स को यूज़ करके एक्ट आउट करते हैं जो उनके थॉट्स और फीलिंग्स को रिवील करता है। ये मेथड उनके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को समझने में मदद करता है, जैसे किसी बच्चे को ऑब्जर्व करना डोल के साथ खेलते हुए टू अंडरस्टैंड देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये थी हमारी टेक्निक्स फॉर असेसमेंट ऑफ स्किल्स। अगर आपकी वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।